नमस्ते बच्चों, आज कक्षा छठवीं है। विषय हमारा सामान्य विज्ञान है और जो हमारे पाठ का नाम है वो सजीव सृष्टि। तो सजीव सभी जानते हैं जिनमें जान होती है, सृष्टि अर्थात संसार। सजीवों के संसार के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। और सबसे पहले सजीव जो होते हैं उनमें जान होती है और निर्जीव जो होते हैं उनमें जान नहीं होती है। तो आज हम चित्र के माध्यम से सजीव और निर्जीव में अंतर देखेंगे। तो बच्चों देखिए, चित्र यहाँ पे दिया गया है और चित्र में आप देखेंगे यहाँ पे पेड़ खड़ा है, यहाँ पे मुर्गी है, उसके चूजे हैं छोटे छोटे, यहाँ पे कुत्ता आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लड़का है, यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे लड़की किताब ली हुई, यहाँ पे पंखा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टेबल। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें हमें सजीव और निर्जीव में अंतर करना। तो जिसमें जान होती है वो सजीव है और जिसमें जान नहीं होती वो निर्जीव है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सजीव है, यहाँ पे लड़का हो गया, ये कुत्ता हो गया, कुत्ते का बच्चा, यहाँ पे मुर्गी और चूजा और लड़की, ये सब क्या है? सजीव। और साथ साथ ये देखिए, ये जो पेड़ है ये भी क्या है? सजीव है। बस वह एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या, इसमें भी सजीवों के सारे लक्षण, स्थानांतरण के सिवा सारे लक्षण पाए जाते हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई है जिसके माध्यम से हम सजीव और निर्जीव को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे आसपास अनेक प्रकार के प्राणी और वनस्पतियां पाई जाती है। इनमें कुछ बातों में समानता होती है तो कुछ बातों में अंतर दिखाई देता है। फिर भी हम यहाँ कुछ निश्चित विशेषताओं के आधार पर जानते हैं कि सजीव का है निर्जीव का। तो हमने जान लिया कि जो स्थिर है, जिसको हम जहां रख देते हैं वहीं पड़ा रहता है, अर्थात उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या होता है, मदद करनी पड़ती है, या हम जब तक नहीं उठाएंगे तब तक वो नहीं। लेकिन जो सजीव रहते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। लेकिन यह पेड़, पेड़ में यह विशेषता नहीं पाई जाती, फिर भी वह क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है, क्योंकि बाकी सारे लक्षण इसमें सजीवों के दिखाई देते हैं। तो ये परिसर के विभिन्न घटक थे, इन घटकों के माध्यम से सजीव क्या है और निर्जीव क्या है हमने देखा। जैसे हो गया यहाँ पे पतंग है वो निर्जीव है, लैंप है निर्जीव है, पंखा है निर्जीव है, यहाँ पे पर्दा दिख रहा है निर्जीव है, घर जो बना है वो निर्जीव है, यहाँ पे बाल्टी रखी गई वो निर्जीव है, तो यहाँ पे जो बॉल है वो निर्जीव है। और सजीव में मुर्गी, उसके बच्चे, यहाँ पे कुत्ता, लड़की, लड़का, ये सब क्या है? सजीव है। और ये पेड़ पौधे जो है ये सब क्या है? सजीव है। तो ये घटकों के माध्यम से हमने सजीव निर्जीव के अंतर को समझा। अब आते हैं सजीवों के लक्षण। तो सजीवों के लक्षण में बच्चे यहाँ पे वृद्धि है, और वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो ये इसके अंदर ही समाविष्ट है। तो श्वसन दूसरा लक्षण है, श्वसन, और तीसरा है उत्सर्जन, चौथा प्रजनन, और पांचवा चेतनशीलता तथा हलचल, छठवा है निश्चित जीवन काल। तो ये इसके छह लक्षण है। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो वृद्धि। तो आते हैं हम वृद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं चित्र के माध्यम से। तो बच्चों देखिए, वृद्धि, वृद्धि हम चित्र के माध्यम से देखेंगे सजीवों में कैसे। देखिए यहाँ पर छोटा सा पौधा है, यहाँ पे कुत्ते का बच्चा है छोटा सा, यहाँ पे देखिए मुर्गी का बच्चा है छोटा सा, चूजा है, यहाँ पे लड़का छोटा है और लड़की है। देखिए धीरे धीरे आप देखेंगे इनमें कितना अंतर पाया जा रहा है। दूसरे वाले चित्र में देखेंगे पौधा थोड़ा बड़ा हो गया है, बच्चा जो ये बच्चा था कुत्ते का वो भी थोड़ा बड़ा हो गया, लड़के लड़कियां सभी थोड़े थोड़े धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और मुर्गी का जो चूजा था वो भी बढ़ गया है। अब यहाँ पे देखिए तीसरे चित्र में सभी क्या हो गए? प्रौन हो गए। लेकिन एक चीज आपको दिखाई देगी, जो मुर्गी थी वो क्या हो गई, यहाँ पर उसका जीवन काल क्या हो गया है? खत्म हो गया है। अर्थात उसकी उसके सभी जो सजीव होते हैं उनके जीवन काल निश्चित होता है। तो यहाँ पर आपको मुर्गी नहीं दिखाई क्योंकि उसका जीवन काल समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर फिर उसके आगे हम जाते तो उस चित्र में आपको कुत्ता नहीं दिखाई देगा, बस ये जो लड़का और लड़की रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? बुढ़े हो जाते हैं, अर्थात प्रौढ़ हो गए, अब बुजुर्ग हो गए हैं। अब तो इनका जीवन काल धीरे धीरे देखिए बचपन से शुरू हुआ और कहाँ गए, एकदम बुढ़े हो चुके हैं। तो धीरे धीरे इनकी वृद्धि होती है, फिर धीरे धीरे इनका जीवन समाप्त होने के कगार पे आता है। और पेड़ देखिए, वह विशाल का एक वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये सजीवों में वृद्धि, बच्चा बड़ा होकर प्रौढ़ स्त्री अथवा पुरुष बनता है। वृद्धि काल में ऊंचाई हमारी, देखिए यहाँ पे धीरे धीरे ऊंचाई, वजन, शक्ति आदि में क्या होती है? वृद्धि होती रहती है। सभी प्राणियों को इस प्रकार बढ़कर प्रौढ़ होने में एक निश्चित समय लगता है, यहाँ तक जाने में तुरंत बच्चा पैदा हुआ बड़ा नहीं हो गया, उसके लिए एक निश्चित समय लगता है। मानव की इस वृद्धि में सामान्यतः जो मानव होते हैं उनको इस वृद्धि में सामान्यतः 18 से 21 वर्ष का समय लगता है।
तो जैसे आपको दिख रहा है, जैसे जिस प्रकार सजीवों में आपने देखा उसी प्रकार हम वृद्धि कैसे होती है वो पौधे के माध्यम से हम दिखा सकते हैं वनस्पतियों। जैसे यहाँ पर पौधा है, उसके ऊपर एक देखिए धागा एक खूंटी में करके बांधा गया, लेकिन जैसे जैसे पौधे का विकास हो रहा है या धागा क्या हो रहा है ढीला होते जा रहा है, तो हम कह सकते हैं गमले में लगे किसी पौधे के सिरे से एक धागा हमने बांध दिया है, उसे हम 10-15 दिन ऐसे रख दीजिए और निरीक्षण कीजिए, तो सभी इनकी क्या हो रही है मोटाई, तने की मोटाई बढ़ रही है, ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होते समय कुछ वनस्पतियों में टहनियां निकलती है और कुछ में क्या होती है नहीं निकलती, लेकिन ये जब वृद्धि हो रही है तो धागा क्या हो रहा है ढीला हो जा रहा है। इससे पता चला है कि गमले के पौधे में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो शरीर के वृद्धि शरीर के आंतरिक भागों से आरंभ होकर सभी भागों तक। तो चलिए जैसे देखिए बेटा यहाँ पर देखिए जो पौधा था थोड़ा, फिर उसके क्या बड़ा हुआ, फिर उसके यहाँ पर देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है वृक्ष क्या हो रहे हैं बड़े होते जा रहे हैं, और यहाँ पे लास्ट वाले जो चित्र में आप दिखाया जाएगा वनस्पति क्या हो गई सबसे। तो इसके सिर्फ एक ही जगह नहीं, इसके शरीर इसके जो आंतरिक सभी भागों में क्या हो रहा है तना बढ़ रहा है, पत्तियां बढ़ रही है और इसकी जड़ें क्या हो रही है मजबूत हो रही है। तो आपको दिखाई देगा धीरे धीरे इनके शरीर के सभी आंतरिक भागों में क्या हो रहा है विकास हो रहा है। तो इस प्रकार जिस प्रकार सजीवों का विकास होता है उसी प्रकार वनस्पतियों में भी क्या होती है वृद्धि होती है, और वृद्धि में उनकी ऊंचाई वजन शक्ति क्या होती है सब बढ़ती जाती है। जैसे बच्चों आप सभी जानते हैं वृद्धि, हमने जन्म ले लिया, सजीव जो भी जन्म लेते हैं तो तुरंत क्या वो बड़े हो जाते हैं नहीं, वो जीवन जीवित रहने के लिए उनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार वनस्पतियों को भी क्या होती है भोजन की आवश्यकता होती है, तो वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो वनस्पतियां क्या करती हैं सूर्य का प्रकाश, वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं जमीन के पानी तथा पोषक तत्व से, जो जमीन के पानी तथा पोषक तत्व और हवा की जो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड से वनस्पतियां अपना भोजन बनाती हैं। यह प्रक्रिया वनस्पतियों की पत्तियों में होती है क्योंकि पत्तियों में उपस्थित जो पर्णहरित होता है उसकी सहायता से सूर्य के प्रकाश में भोजन के निर्माण की यह प्रक्रिया होने के कारण इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सबसे पहले बात प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश अर्थात सूर्य की जो किरणें होती हैं उसे प्रकाश, और संश्लेषण अर्थात जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं, अर्थात कि ये सारी चीजें सूर्य का प्रकाश जुड़ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है और जमीन से सब पानी तथा पोषक तत्व, ये सारी चीजें जुड़ने के बाद ही क्या हो रहा है उनके भोजन का क्या हो रहा है निर्माण हो रहा है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में वनस्पतियां क्या करती हैं ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती हैं, और वनस्पतियों में उपस्थित जो पर्ण हरित के कारण ये मुख्य रूप से हरे रंग के दिखाई देते हैं। इनके वनस्पति इनके अंदर जो क्या होता है पर्ण हरित पाया जाता है, इसीलिए जो इनकी पत्तियां होती है वो हरे रंग की दिखाई देती है। प्राणियों में क्या होता है देखो वनस्पतियां तो स्वयं अपना भोजन बनाती है, लेकिन प्राणी क्या होते हैं दूसरों पर निर्भर करते हैं रहते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें पर्ण हरित नहीं पाया जाता है, प्राणी अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते, ये अपने भोजन की खोज करते हैं। बकरी भेड़ तथा घोड़े जैसे प्राणी घास खाते हैं, तो दूसरी ओर आप देखेंगे जो बाघ होते हैं सिंह जैसे जो प्राणी होते हैं वो जीत रहने के लिए प्राणियों का अन्य प्राणियों का शिकार करके अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देखिए ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको पक्षी वह क्या कर रहा है वह पानी से मछली को खा रहा है, यहाँ पे देखिए मुर्गी है जो दाना चुग रही है, और जो ये बाघ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्राणियों का शिकार कर रहा है, और घोड़ा यहाँ पे घास खा रहा है, अर्थात तो वह एक दूसरे पर क्या करते हैं निर्भर करते हैं। जो दूसरा जो लक्षण जो हमारा लक्षण है दूसरा वो श्वसन है, तो श्वसन जितने भी सजीव हैं उनको जीवित रहने के लिए वो क्या करते हैं सांस लेते हैं, हम जैसे सजीव जो है वो जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और इसी अब हम आते हैं श्वसन की क्रिया। अब चित्र के माध्यम से हम बहुत सारे प्राणी अलग अलग तरीकों से श्वसन की क्रिया करते हैं, तो हम आते हैं चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो बच्चों जैसे श्वसन की जो क्रिया होती है देखिए यहाँ पर जो वनस्पतियां होती हैं वो तने में तने और वनस्पति जो पत्तियां होती हैं उसमें छिद्र होता है उसके माध्यम से क्या करती हैं श्वसन की क्रिया करती हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोग मछली है जो वो मछली क्या करती है गलफड़े उसका एक अलग अंग होता है वह गलफड़े की सहायता से श्वसन की क्रिया करते हैं, और हम जैसे जो मनुष्य होते हैं वो नाक की सहायता से श्वसन की क्रिया करते हैं। तो इसलिए जीवित रहने के लिए सजीवों को क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन शरीर में लेने तथा उसके उपयोग से शरीर में तैयार होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है गैस
बाहर शरीर से निकलने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। मछली, सांप तथा चूहे, सुंडी, तिलचट्टा जैसे जो प्राणी होते हैं वह श्वसन के लिए एक निश्चित इंद्रिया का उपयोग करते हैं, जबकि वनस्पतियां अपने तने तथा पत्तियों के सूक्ष्म जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे आप देखेंगे ध्यान से सूक्ष्मदर्शी द्वारा, तो उसमें देखेंगे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसके माध्यम से श्वसन की क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो बच्चों अब आते हैं जो हमारा तीसरा जो लक्षण है वो उत्सर्जन है। तो उत्सर्जन से पहले हम जानेंगे कि एक उत्सर्जन होता है हमारे शरीर के, जो भी प्राणी होते हैं उनके शरीर के अंदर कुछ अनुपयोगी जो पदार्थ होते हैं तैयार होते हैं, उनका निर्माण होता है, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। उसी उत्सर्जन को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं पसीने के द्वारा, मूत्र के द्वारा। और जो वनस्पतियां होती हैं वह अपनी पत्तियां गिरे उसमें जो पत्तियों में संचित हो जाते हैं उत्सर्जन, तो क्या होता है पतझड़ आता है तो सारी पत्तियां क्या होती हैं, गिर जाती हैं। तो इस माध्यम से क्या होता है, अलग अलग माध्यम से सभी जो प्राणी होते हैं उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो आज अब हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि उत्सर्जन की क्रिया कैसे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पेड़ है इसकी पत्तियां क्या हो रही, गिर रही है, क्यों, वनस्पतियां भी उत्सर्जन करती हैं। और कुछ वनस्पतियों की जो पत्तियां होती है विशिष्ट ऋतु में क्या आती है, गिरती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पतझड़ कहते हैं। वनस्पतियों की पत्तियों में संचित उत्सर्ज जो पदार्थ रहता है उन पत्तियों के साथ क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो अब हम और अगर दूसरे तरीके से आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बच्ची, ये देखिए एक पत्ती पर क्या कर रही है, प्लास्टिक की थैली बांध दे रही है। अब आप इसको 7-8 घंटे ऐसे ही रहने दीजिए, उसका निरीक्षण कीजिए। फिर उसके बाद जब 8 घंटे आप बाद आते हैं तो थैली के अंदर भाग देखेंगे ना, पानी की जमी हुई बूंदे दिखाई देगी आपको, अर्थात वनस्पतियां जो है पानी का वाष्प के रूप में क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। अगर आपको यह निरीक्षण करना है तो आप अपने घर पे आसान से जो आपके घर में तुलसी का पौधा या कोई भी पौधा आपने लगाया है उसके ऊपर यह क्रिया करके उत्सर्जन की क्रिया को आप देख सकते हैं। जो हमारा चौथा लक्षण है वो प्रजनन है। प्रजनन अर्थात अपने ही जैसे किसी दूसरे सजीव का निर्माण, जब हम जन्म देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। और प्रजनन में देखिए आप देखेंगे कुछ जो होते हैं वो अंडा देते हैं, तो अंडे देने वाले जो प्राणी होते हैं उसे अंडज कहते हैं, और जो मतलब बच्चे अपने जैसे ही बच्चों का निर्माण जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जरायुष कहते हैं। तो इन हम प्रजनन की क्रिया में क्या होता है, अपने ही जैसे हम जब दूसरे सजीव का निर्माण करते हैं या जन्म देते हैं उससे हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो चित्र के माध्यम से हम देखते हैं, आइए यहाँ पे देखिए चिड़िया तथा उसके अंडे। ये चिड़िया है वह क्या देती है, अंडे देती है। यहाँ पर देखिए पान फूटी, पान फूटी के जो होता है पत्तियां होती है, अगर आप उसके मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो और उसको दबा देंगे तो क्या होगा उसका, वह अपने जैसे ही किसी दूसरे पौधे का क्या करती है, निर्माण कर देती है, पौधा उगने लगता है। यहाँ पर देखिए जो ये घोड़ा है वो अपने जैसे ही सजीव का प्राणी का निर्माण किया है, उत्पन्न उसका प्रजनन हुआ है। अब यहाँ पे देखिए गुलाब की कलम, अर्थात जो गुलाब का फूल होता है हम देखते हैं तो उसके डंठलों का कलम करके हम गुलाब का पौधे को लगा सकते हैं। तो सजीव अपने समान ही जब दूसरे सजीव को उत्पन्न करते हैं, कुछ सजीव बच्चों को जन्म देते हैं तो कुछ अंडे देते हैं, उनमें से बच्चों का जन्म होता है। और वनस्पतियों के बीज, तने तथा पत्ती, आप देख रहे बीज, आप बीज लगा दीजिए तो पौधे उग जाएंगे उसके। तुलसी का पौधे का बीज अगर आपने लगाया है तो तुलसी का पौधा ही आपको मिलेगा, अर्थात अपने जैसे ही पौधे का वो क्या करता है, निर्माण करता है, उसकी उत्पत्ति करता है। इसी प्रकार बीज, तने तथा पत्ती से उनके समान नए पौधे क्या होते हैं, तैयार होते हैं। सजीवों द्वारा अपने समान दूसरे सजीव को उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसे ही प्रजनन अथवा पुनरुत्पादन कहते हैं। प्रजनन भी सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। बच्चों तो अब आते हैं हमारा जो पांचवा है वो चेतनशीलता तथा लक्षण। तो इसमें चेतनशीलता तथा लक्षण, जैसे आप देखिए अचानक आप गांव में देखिए मड़ई वगैरह में जो गाय भैंस बांधी रहती है, अचानक आप पहुंच जाइए और आप बहुत दिन के बाद वहां पे गए हैं तो क्या हो जाती है, चौंक जाती है, खड़ी हो जाती है, तो क्या करती है, हलचल करने लगती है। और अगर आपको अचानक कोई चिमटी काट ले तो चेतनशीलता होती है, तभी आप क्या करते हैं, नहीं ऐसे। तो अगर आप किसी गर्म चीज को छू लेते तो आपके अंदर चेतना है, इसलिए क्या करते, तुरंत अपने हाथ को हटा लेते। तो ये सारी चीजें होती है। आप देखिए आप गमले का पौधा अगर आपने लगाया है,
अगर उसको अंधेरे में रख दिया है और कहीं से थोड़ा सा सूर्य की किरणें आ रही है, तो क्या पौधे जो पौधा है उसका जो मुंह है वह सूर्य की किरणों की तरफ क्या हो जाएगा, मुड़ जाता है। तो वह स्वयं प्रेरणा से क्या करती है, हलचल करती है। तो हम कह सकते हैं जो प्राणी होते हैं वनस्पतियां स्वयं प्रेरणा से क्या करती हैं, हलचल करती हैं और प्राणियों में चेतनशीलता पाई जाती है। आप छुई हुई का जैसे पौधा देखे हो, जैसे हम छू लेते हैं, लाजवंती का पौधा देखिए, छू लेंगे तो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वह पुनः क्या हो जाती है, अपने पूर्वतः समय में आ जाती है जैसे वह पहले थी। तो इसीलिए कह सकते हैं कि प्राणियों के अंदर, सजीवों के अंदर, वनस्पतियों के अंदर क्या होती है, चेतनशीलता होती है और वह उससे चेतनशीलता के साथ साथ उनके अंदर हलचल होती है, हलचल स्वयं प्रेरणा से उनके निर्माण होती है। देखेंगे निश्चित जीवन काल में सभी जो प्राणी है अर्थात जो भी सजीव है सभी का जीवन काल क्या है, निश्चित होता है। तो और सभी का जीवन काल निश्चित, जैसे अभी आपने चित्र देखा तो आप देखेंगे जैसे चूजा था तो दूसरे चित्र में आप देखा कि वह दूसरे चित्र पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, दूसरे प्रणाम तक पहुंचते पहुंचते उसका जीवन काल खत्म हो गया। अब मनुष्य है, मनुष्य का जीवन काल आज के समय में अगर हम देखें तो जी बहुत अच्छा खान पान है तो वो 80-90 साल जी ले रहा है और जो मजबूत है, लेकिन जिसका स्वास्थ्य अच्छा है तो 100 साल भी पार कर ले रहा है। लेकिन जो बिल्ली मुर्गे हैं बिल्लियां हैं ये सबका जीवन काल क्या होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। अब जो आप शुतुरमुर्ग देखें उनका जीवन काल कितना होता है, 50 साल माना जाता है। तो शुतुरमुर्ग और जो हमारे कुत्ते होते हैं वो 18 साल उनका मान लीजिए, 18 ज्यादा से ज्यादा 18 और बहुत ज्यादा कहेंगे तो 21 साल तक उनका जीवन काल ऐसे हो जाता है। तो इसलिए हम देखें ज्यादा से ज्यादा हम 12 से 18 साल ही मानते हैं। तो ऐसे करके सभी का जीवन काल है। लेकिन वनस्पतियां को देखिए, आपको पतझड़ आने पर फिर क्या होती है, उनके अंदर फूल क्या होते हैं, फिर से अंकुरण होता है और अपना उनका जीवन पर्यंत उनके अंदर वृद्धि होती रहती है। तो यह कह सकते हैं कि सभी जो प्राणी होते हैं उनका जीवन काल क्या होता है, सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है। तो चित्र के माध्यम से हम कुछ जो सजीव है उनके जीवन काल के बारे में हम देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए जो पेड़ है, यहाँ पे जो बकरी है, यहाँ पे आपको देखिए बकरी दिखाई दे रही है, बकरी है, फिर यहाँ पे हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए बकरी यहाँ तक तीसरे पड़ाव तक वो बकरी पहुँचती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर उसके चौथे पड़ाव में उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसका बच्चा बड़ा होता है, फिर वो लास्ट वाले में आप देखेंगे बकरी का एक बच्चा हो गया। तो आप देखेंगे इनका जीवन काल क्या है, बहुत कम होता है और उसी जीवन काल के आधार पर क्या होता है, एक समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर उनके जो बच्चे होते हैं वह आगे। और यहाँ पर देखिए पेड़ आप देखिए यहाँ पर इनका विकास होता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि पतझड़ हो जाता है, लेकिन फिर से वह क्या हो जाते हैं, फिर से वह हरे भरे हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जीवन काल के एक निश्चित पड़ाव पर सजीव प्रजनन में सक्षम होते हैं, कुछ समय बाद उनके उनके सभी अंग क्या होते हैं, छीण हो जाते हैं, नाश हो जाता है उनका और कालांतर में सजीवों का जीवन काल क्या होता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात सजीवों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। विभिन्न प्राणियों और वनस्पतियों के जीवन काल भिन्न भिन्न होते हैं, जो भी प्राणी है वनस्पतियां उनके सभी के जीवन काल क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण कुत्ते का जीवन काल समानता 12 से 18 वर्ष हम मान सकते हैं, शुतुरमुर्ग जो होता है वो 50 साल तक जीता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं तो उसी प्रकार सभी का जो निश्चित जीवन काल होता है वह हमने के एक निश्चित जीवन काल के बाद हमारी मृत्यु निश्चित होती है सजीवों की। तो उसी के आधार पर आज हम सजीवों के कितने लक्षण पढ़े, सजीवों के लक्षण वृद्धि श्वसन उत्सर्जन प्रजनन चेतनशीलता तथा हलचल और निश्चित जीवन काल। वृद्धि में हमने देखा कि ऊंचाई जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे ऊंचाई वजन शक्ति क्या होती है, बढ़ने पर प्रौढ़ अवस्था में उनका रूपांतरण हो जाता है। अब आते उनके लिए भोजन की भी आवश्यकता आती है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन की सभी सजीवों को आवश्यकता होती है। फिर आते हैं उत्सर्जन, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होने पर क्या होता है, उत्सर्जन नाम का पदार्थ क्या होता है, तैयार होता है हमारे शरीर में, उसको हम मूत्र के माध्यम से और पसीने के माध्यम से अन्य क्रियाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब उसके बाद आता है प्रजनन, प्रजनन में हम अपने ही जैसे किसी दूसरे सजीव का क्या करते हैं, पुनरुत्पादन करते हैं या प्रजनन करते हैं। चेतनशीलता तथा हलचल, हमारे अंदर सभी सजीवों के अंदर वनस्पतियों के अंदर क्या होती है, चेतनशीलता तथा हलचल पाई जाती है। और निश्चित जीवन काल, सभी जो सजीव हैं उनका सभी सजीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है, उस जीवन काल के बाद क्या होता है, सभी सजीवों की मृत्यु होना निश्चित होती है। तो बच्चों आज हमने सजीवों के लक्षण
इस पाठ इस जो वीडियो में आज हमने सजीवों के लक्षण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। आप सभी बच्चे इस सजीवों के जितने भी लक्षण मैंने आपको बताए उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अच्छे से उसको समझिए और समझने के बाद उनको जो आपने कॉपी में लिखा है उसको शुक्रवार के दिन ग्रुप में भेज दीजिए। धन्यवाद।